मूंगफली की खुशबू, रेवड़ी की मिठास, दिल में खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक है आपको लोहड़ी का त्यौहार, हार्दिक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी। सुर संध्या के इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मित्रों, सुर संध्या, आपको पता ही है हमारे प्रोग्राम में कितने सारे संगीतकार आते हैं और वो अपने सुर से हमारे सुर संध्या को महक कर जाते हैं। आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं ओम प्रकाश भाई जी, जिन्होंने पहले भी सुर संध्या के कार्यक्रम में अपने गीत गाए हैं और आज फिर हमारे इस कार्यक्रम में त्योहारों के कुछ गीत लेकर आए हैं। आइए स्वागत करते हैं ओम प्रकाश भाई जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है और लोहड़ी की आपको बहुत बहुत मुबारक है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, आपके पीस म्यूजिक स्टूडियो का जी, सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया जी। जैसे हम लोहड़ी मनाते हैं, सबका अलग अलग तरीका है, खासकर लोहड़ी फेमस है पंजाब में, आप किस तरह से लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोहड़ी मोस्टली जो त्यौहार है ये नॉर्थ इंडिया का है और नॉर्थ इंडिया में भी स्पेशल पंजाब में जी, पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो है वो एक मल्टी फेस्टिवल, मल्टी कलर, मल्टी सीजनल प्लेस है, वहाँ पर बहुत उमंग उत्साह से हर चीज़ मनाई जाती है। तो लोहड़ी का त्यौहार वहाँ, क्योंकि जैसे ही सर्दी की ऋतु उस समय करीब करीब जो है बीत चुकी होती है जी, और उस समय क्योंकि गर्माइश या ये कहो कि बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत होने से लोहड़ी जो है इस पर जो खाद्य पदार्थ होते हैं, एक तो वो जैसे खजूर होती है, तिल होते हैं और गुड़ होता है, रेवड़ी होती है, ये तो खाने में जितने स्वादिष्ट हैं उतने ही इनका महत्व और भी बढ़ जाता है जब इनको फेस्टिवल के तौर पे हम लेते हैं। लेकिन ये लोहड़ी में जो तिल और गुड़ और ये मूंगफली, तीन चीज़ें ली जाती है, इनका थोड़ा सा डेफिनेशन बताएंगे कि किस लिए इसका यूज होता है? ये जो तिल है, तिल या आप कहेंगे गुड़, गुड़ देखो, गुड़ मिठास की निशानी जी, मिठास है। वो कहते हैं गुड़ मत दो लेकिन गुड़ जैसा मीठा तो बोलो। तो ये जो तिल है, तिल जो है ये एक ऊर्जा वर्धक, एक सीड है, एक खुराक है। और हमारी जो मूंगफली है, मूंगफली भी आप देखिए, ये गरीबों के बादाम है ये, जिसको कहते हैं, जो गरीब लोग हैं वो इसे बादाम समझ के खाते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, एक फेस्टिवल के रूप में लोग मनाते हैं, खाते हैं। और इसमें विशेष क्या होता है, इसमें सारा परिवार बैठ करके आग जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और प्रज्वलित करने के बाद फिर क्या होता है, इसमें किसी से मन मुटाव हो, है ना, किसी से बोलचाल बंद हो, तो ऐसे समय पर जब पूरा परिवार इकट्ठा बैठता है तो एक हार्मनी बन जाती है, समरसता बन जाती है। बहुत अच्छा। तो आज लोहड़ी के इस त्योहार पर आप कौन सा गीत लेकर आए हैं? ये हमारा बहुत ही एक प्यारा सा गीत है हिंदी में जी। वैसे तो आपको आगे पंजाबी में भी सुनाएंगे जी, कि लो हरी मेरे पापों की गठरी अब ये उठाई ना जाए, क्योंकि जो लोहड़ी शब्द है ये हरी है ना, हरि को, भगवान को संबोधित करके कहा कि हे हरि, हे भगवान, हे दुख हरने वाले, अब ये जो मेरे से जन्म जन्म के जो पाप हुए हैं तो ये आप ले लो, ये गठरी आप ले लो जी, है ना, ये मेरे से उठाई नहीं जाती है। तो ये एक दिल के उद्गार हैं भगवान के प्रति इस गीत। बहुत अच्छा। तो आइए चलते हैं इस गीत की तरफ और मनाते हैं लोहड़ी आपके साथ और हमारे दर्शकों के साथ और उनके परिवार के साथ जी। ट्रैक प्लीज। करती बड़ा कमाल, बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देनाल, दिल में उमंग लिए, मन में तरंग लिए, आता है ये त्योहार, आता है
बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देना। पापों की गठरी अब ये उठाई ना जाए, तुझको बुलाए हैं जग के सताए, हम तेरी शरण में आए। हो ना बिसराना, गले से लगाना प्रभु ओ दीन दयाल, प्रभु संगम की करती बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देना। सदा बांटे मिठाई रेवड़ी से मीठे बोल बोलो, फूलों जैसा हो खुशनुमा चेहरा, प्रेम के भंडार अब खोलो। हो शीतल नैना, मन में हो चैना, ऐसे बने माला माल, ऐसे बने माला माल। लोहड़ी संगम की करती बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देना। बुद्धि में ज्ञान का घृत हो, योग की अग्नि जला ले, सड़े पुराने कर्मों की डाल के आहूति सच्ची लोहड़ी मना ले। ओ बाबा प्यारे, वतन से पुकार वाह वाह, संगम की करती बड़ा कमाल। बछड़े मिलते हैं शिव बाबा देना। बहुत अच्छा, ये तो हुई लोहड़ी की बात। अब थोड़ा सा हम चलते हैं इसके आगे वाले त्यौहार की तरफ। जैसे कि दर्शकों को पता ही है कि इसके बाद हमारी आती है शिवरात्रि, जहाँ सारा जिसकी शरण में नमन है उस शिव के चरण में, बने हम जीव के नैनों के नूर, आओ मिलकर चढ़ाएं हम श्रद्धा के फूल। मुबारक है आपको महाशिवरात्रि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिवरात्रि की और आपके परिवार को भी। शिवरात्रि एक महा एक ऐसा पर्व है जिसे कहते हैं शिवरात्रि का नाम सुनकर लोग व्रत रखते हैं, तप रखते हैं, सारा दिन कुछ खाते नहीं है, पीते नहीं है। ये जैसे कि आप अभी हम कहें कि आपने दूसरा मार्ग चुन लिया है, तो आप शिवरात्रि के बारे में क्या कहना चाहते हैं?
अभी लगता है ये श्रृंखला हमारी फेस्टिवल की चलेगी। जी बिल्कुल, फेस्टिवल की चलेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जब त्योहारों को हाथ लगा तो सब मना लिए जाए। बिल्कुल। तो जो शिवरात्रि है ये वैसे तो दुनिया के अंदर बहुत एक शिवरात्रि जो नाम फेमस है जी। ज्ञान में आने के बाद इस बात का हमें पता चला कि शिवरात्रि शब्द जो है वो शिव जयंती से है। अच्छा। हाँ, जयंती से है क्योंकि जयंती जो मनाते हैं मरंती नहीं होती, जयंती जयंती है, फॉरएवर जो होता है, फॉरएवर होता है। जी। महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं तो उनका आगे समाने का, शहीद होने का भी उनका दिवस मनाते हैं। जी, जी। लेकिन भगवान शिव जो हैं वो एक ऐसे जिसको ये कहे सर्वोच्च हस्ती हैं कि जिनके साथ ये जयंती लगता है, मरंती नहीं लगता नहीं है। इसलिए अगर रात्रि शब्द यूज करें, चलो हम ले देते भक्ति मार्ग के अनुसार, तो रात्रि शब्द जो है ना वो अज्ञान की रात्रि है, वो पाप की रात्रि है। क्योंकि रात्रि में इंसान धक्के खाता है, रात्रि में क्या होता है, इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता। जी जी। रात्रि में तो रस्सी सांप दिखाई देती है, सांप रस्सी दिखाई देता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। लेकिन शिवरात्रि के इस उपलक्ष्य में आप कौन सा गीत गाने वाले हैं, उसके दो शब्द ऐसे बता सकते? ये हमारा लेटेस्ट अभी गाना हमने रिकॉर्ड किया है जी। और ये जो गाना है ये गाना बहुत खूबसूरत है और इसकी हमने जो धुन बनाई जी, ये धुन हमने जब बैठे थे, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं बुले शाह विशाल पाल, जब वो धुन बना रहे थे तो उन्होंने पहले धुन बनाई कि शिव जयंती, जैसे शिवरात्रि है तो जैसे भक्त लोग वो पंजाब में तो बस ये कहते हैं कि बम बम बोले, वहाँ पर तो हूँ डमरू बजा दे भोले। तो लेकिन मैंने ये कहा कि हमारा ये ज्ञान मार्ग है, इसमें जो धुन हो उसमें मेलोडी भी हो और इसमें उसमें हमारा एक संदेश भी हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। क्योंकि जागरण है, एक जन जागरण है, जो हम कहते जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान है। तो ये भी जो शिव जयंती का गीत है, शिवरात्रि का गीत है, तो ये हमने जन जागरण का गीत बनाया कि जागो जागो शिव जयंती आई, प्रकट हुए शिव ब्रह्मा तन में, ज्ञान की गंगा बहाई। ऐसा करके एक संदेश हमने इस गीत के माध्यम से देने की कोशिश की। लेकिन आपसे एक बात पूछना ये भूल गई मैं थोड़ा, ये जो पहले लोहड़ी का जो गीत है इसके लिरिक्स किसने लिखे हैं, म्यूजिक किसने दिया है, और गाया तो आपने ही है। हाँ, लिरिक्स जो है इसका वो काफी सारे गाने भगवान ने, बाबा ने हमें एक इंस्ट्रूमेंट बना के काफी सारे लिखवाए हैं जी। लेकिन ये जो अभी गाएंगे कि जागो शिव जयंती आई, ये गाना मधुबन के बहुत ही प्रख्यात वो लेखक हैं बाबा के गीतों के, बीके सतीश भाई जी, जी। ये उनका लिखा हुआ। और लोहड़ी का जो आपने गीत गाया वो हमारा लिखा, और उसके म्यूजिक वही है हमारे बुले शाह विशाल, क्योंकि वो अभी बाबा के घर में एक नहीं दो तीन बार आ चुके हैं। अच्छा, अच्छा। तो अब बाबा उन्हें बहुत ही ब्लेसिंग दे करके अच्छी अच्छी धुनें उनसे तैयार करवाते हैं। जी जी। तो चले शिवरात्रि का ये पर्व बहुत अच्छा गीत है और अपने दर्शकों को भी ये गीत सुनाते हैं। आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। जागो शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई, जागो शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई। प्रकट हुए शिव ब्रह्मा मुख से, ज्ञान की गंगा बहाई, शिव जयंती सबको बधाई। धर्म की जब जब होती हानि, कल्प की अंतिम वेला आती, कल्प की चढ़ती कला
हर आत्मा चिल्लाए, जागो शिव जयंती आई, फिर से शिव जयंती आई, शिव जयंती आई, शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई। सूरज उदय हुआ, दूर हुआ अज्ञान अंधेरा, बीत गई दुखों की रैना, दस्तक देता नया सवेरा, शिव ने स्वर्णिम दुनिया की आकर झलक दिखाई, जागो शिव जयंती आई, फिर से शिव जयंती आई, शिव जयंती आई, शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई। शिव पे चढ़ाए, विषयों की भांग बाबा को पिलाए, विषयों की भांग बाबा को पिलाए, वैर विरोध के बेर चढ़ाकर ईश्वरीय ज्ञान का शंख बजाए, ईश्वरीय ज्ञान का शंख बजाए, राजयोग की शक्ति की खिलाए सबको मिठाई, जागो शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई, जागो शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई, प्रकट हुए शिव ब्रह्मा मुख से ज्ञान की गंगा बहाई, शिव जयंती आई, शिव जयंती आई, बधाई सबको बधाई। आप सभी को गाने के द्वारा महाशिवरात्रि की हमने बधाई दी। अभी शिवरात्रि के उपलक्ष में आपको बताया भी कि किस तरह से शिवरात्रि मनाई जाती है। जहाँ तक हम जो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, आपने कहा कि शिवरात्रि नहीं, शिव जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। अभी हम आपको पता ही है कि त्योहारों की सुसंध्या चल रही है, तो शिवरात्रि के बाद क्या आता है? फिर तो होली मनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही कहा कि इसके बाद हमारी होली मनाई जाती है। होली फेमस किस लिए है? अगर हम कहें कि वृंदावन में होली जिस तरह से बरसाने की होली, भक्त लोग तो होली को ना बहुत ही, हमने देखा है कि भक्त लोग जा, ये कृष्ण भक्त स्पेशली, जी जी कृष्ण भक्त बरसाने की, वृंदावन की, मधुबन की, इस तरह से मतलब फेमस जो होली है वो वृंदावन की, वृंदावन की, मथुरा की, बिल्कुल मथुरा की, हाँ मथुरा की जो है वो है ना, मथुरा की होली वो लठ होली है। जी हाँ, जी बिल्कुल। एक तो रंगों की होली होती है ना, मथुरा में तो लठ होली मनाई जाती है, वो डंडा लेके, उसमें क्या होता है कि वो बहने, पुरुष लोग जो बीच में होते हैं और जो बहने होती हैं वो अपना घूंघट निकाल के और लठ का प्रहार करती हैं। जी बिल्कुल, आपने समझ ही लिया कि अगला गाना हमारा होली के ऊपर है। इसी के उपलक्ष में एक आपको छोटा सा शब्द कहना चाहती हूँ। मथुरा की खुशबू गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध बरसाने की, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको लोहड़ी का।
होली का त्योहार। देखो लोहड़ी भी याद आ रही है, पंजाब से आया हूं ना अभी। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से खुशी से उमंग उत्साह से होली मनाएं। और साथ ही हम गीत की तरफ भी चलते हैं। ये जो आप होली का गीत अभी गाने वाले हैं, ये भी किसने लिखा है और म्यूजिक किसका है? गीत तो आप गाते ही हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये दो चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैंने ही लिखा है गीत ये जी। और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो वही हैं, बिलेशा विशाल पाल जी, उनका जी। ही उनके द्वारा बहुत अच्छी धुन बनाई है जी। और आप देखेंगे कि जब ये गीत आपके चैनल पे चलेगा जी जी, तो लोगों के लिए तो ये एक बड़ा अविस्मरणीय तोहफे की तरह उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भी होली मनाएंगे और साथ साथ ये गीत गुनगुनाएंगे। बिल्कुल, तो ज्यादा समय ना गवाते हुए होली की तरफ चलते हैं और मनाते हैं होली का ये त्योहार। आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। रंग
दे जिसे वो किस्मत वाला मैंने पाई गुण शक्तियों की रंगोली रे होली रे रंग से रंग लो आत्म चोली रे होली रे मुझे लगता है कि अभी आपका ये मन भरा नहीं है क्योंकि लोहड़ी में तो भर जाता है, शिवरात्रि में भी भर जाता है, लेकिन होली एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जितना डांस करे जितना उमंग उत्साह भरे थकता नहीं है। रंगों का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। और आपके इन गीतों में ऐसा नहीं कि कुछ अलग तरह से है, ये एक रूहानियत गीत मुझे लगे क्योंकि आपके शब्द बिल्कुल अलग हैं। आपने कहा सात रंगों से रंग दो ये होली, सात रंगों की भर पिचकारी जब रंगरेज प्रभु ने मारी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भगवान को रंगरेज का बहुत अच्छा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना आप इस एक एपिसोड में, इस एक सुर संध्या में एक और गीत होली का अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा और अच्छा लगेगा। अगर आप गाना चाहेंगे तो उस गाने के शब्द क्या हैं अगर मैं आपसे कहूँ तो? ये होली के, होली का जो महत्व है ना जी, बहुत हमारे पुराने विचारक जो कृष्ण भक्त थे उन्होंने, सूरदास हुए हैं जी जी जी, मीरा जी हुए हैं जी जी जी, है ना, और भी रस खान वो हुए हैं, मुस्लिम थे फिर भी कृष्ण भक्त थे जी, है ना, कृष्ण की वो बहुत भक्ति करते थे। ऐसे मीरा ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी रंग रंगी हो जो रंग ना ही छूटे, नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उम्र या शाम पिया मोरी रंग दे चुनरी। भले भगवान को वो शाम के कृष्ण के रूप में देखते थे लेकिन उनके साथ वो रंगों की बात जब वो करते थे, है ना, तो हमारा ऐसा ही एक गीत है होली या भाई होली। बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छा गीत है ये, और इस गीत का जो फ्लेवर है, हाँ ये फ्लेवर है, ये बिल्कुल पंजाब से मिलता जुलता है जी, उसी तरह का इसमें जो है संगीत का सम्मिश्रण किया जी जी। तो आपने फ्लेवर कहा, मैं इसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगी, भूल जाओ अब सारे गम, भूल जाओ अब सारे गम, आओ खेलो होली अब के इस रंग। मतलब आप जैसे हमारे मन में बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को भूल जाके अब नए रंग अपने अंदर हमें भरने हैं। हाँ। तो ये इस गाने का म्यूजिक भी आपके, हाँ, म्यूजिक बुल्ले शाह विशाल पाल जी ने दिया है और ये गाना हमने ही लिखा है। बहुत और अच्छी बात ये है। क्योंकि फेस्टिवल उस समय हमने एक अपनी ये जो हमारी एल्बम है वेलकम फेस्टिवल सेलिब्रेशंस जी जी, है ना, तो उसमें हमने खास कर ये इस बात का ध्यान रखा था कि न्यू ईयर का गीत बनाया जाए, हर फेस्टिवल का बनाया जाए और भी आगे नए नए गीत आपको मिलेंगे, लेकिन चलो पहले ये जी, हम अभी तक त्योहारों की तरफ चल रहे हैं, बाकी आपको भी और तरह के त्योहारों के गीत आपको सुनाई देंगे, सुनने में आएंगे, देखने में आएंगे और मनाने में आएंगे। आइए चलते हैं होली का एक और गीत सिर्फ आपके लिए, आइए सुनते हैं ये गीत, ट्रैक प्लीज। भाई होली, होली है भाई होली, बाबा बाबा, होली है भाई होली, प्रभु रंग की होली, होली बन के होली मनाओ, सतरंगी पिचकारी चलाओ, होली है भाई होली, होली है भाई होली, बाबा बाबा, होली है भाई होली, प्रभु रंग की होली।
हरे लाल रंग आत्मा को देता शक्ति, पूरी करे जन्म जन्म की भक्ति। लाल रंग आत्मा को देता शक्ति, पूरी करे जन्म जन्म की भक्ति। मिलती पावन बनने की युक्ति, हरि प्रेम की बाहर लाओ। सतरंगी इचकारी चलाओ, होली है भाई होली, होली है भाई होली। होली है भाई होली, प्रभु रंग की होली। बैंगनी रंग आनंद है छाया, पीला सुखी बनाने आया। बैंगनी रंग आनंद है छाया, पीला सुखी बनाने आया। ज्ञान का विनाश लगाया, रंग सागर की किरण फैला। सतरंगी इचकारी चलाओ, होली है भाई होली, होली है भाई होली। होली है भाई होली, प्रभु रंग की होली। हे शांति रंग नीला आसमानी, नारंगी शुद्धता की निशानी। शांति रंग नीला आसमानी, नारंगी शुद्धता की निशानी। ये सच्ची होली की कहानी, सतरंग सतगुणी होली मनाओ। सतरंगी इचकारी चलाओ, होली है भाई होली, होली है भाई होली। होली है भाई होली, प्रभु रंग की होली। होली बन के होली मनाओ, सतरंगी इचकारी चलाओ। होली है भाई होली, होली है भाई होली। होली है भाई होली, होली है भाई होली। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे रिक्वेस्ट पे एक और होली का गीत हमारे सुर संध्या में आपने गाया, और हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का। क्योंकि होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम हर तरह की गम भूल जाते हैं, पुरानी यादों को छोड़ देते हैं, और पुरानी दुश्मनी को भी छोड़कर हम नए दोस्त बनाते हैं, नए संबंध। तो ये एक अच्छा त्योहार मनाया जाता फिल्म है। फिल्म वालों ने भी इसके लिए कहा है ना कि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते, हैं। तो ऐसे हमें भी अपने जो भिन्न भिन्न रंग अर्थात भिन्न भिन्न स्वभाव के भिन्न भिन्न नेचर्स के जो लोग हैं वो सभी एक रस एक मत होके या एक जैसे होकर के जब वो होली मनाते हैं जी, जी। तो सचमुच वो तो इंद्रधनुष जैसा सतरंगी त्योहार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस तरह से हमारे सुर संध्या के इस कार्यक्रम में इसी तरह से त्योहारों के गीत भी लेके आए, और भी उमंग उत्साह के बहुत सारे गीत हैं आप लेके आए और हमें सुनाते रहें, हमारा भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहें। अगले सुर संध्या में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। मित्रों, आज हमने त्योहारों के गीत सुने, और त्योहार के गीत हमारे जीवन को और खिला देते हैं और उभार देते हैं। तो अगली कड़ी में फिर से एक नए गीतों के साथ, नए मेहमान के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।